हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, तो पहले तो आप हमारा स्वागत कर लो। कर लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आज आए हैं बहुत दिनों बाद आपसे मिलने ये वीडियो लेके। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा फल, उसका और पेड़। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, अब बारिश ख़त्म होने वाली है और आने वाला है ठंड का दिन, और हम जो फल दिखाने वाले हैं उसका नाम है सीताफल। और ये लगभग ठंड के ही दिनों में आता है। तो अब सीताफल फला तो बहुत दिनों से है, मगर अब वो पकना चालू हो गया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि सीताफल कैसा होता है और आप उसको तोड़ के कैसा पका सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों बहुत सारे पेड़ हैं सीताफल का। तो आपको दिखाएँगे अपना पेड़ और फल, और उसको हम लोग कैसे पकाते हैं वो भी बताएंगे, और उसके बहुत सारे औषधीय गुण भी है उसको भी हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम सीताफल। और आपको हमने एक वीडियो में दिखाया था रामफल, उसका भी नंबर आने वाला है, उसका फूल लग गया है। तो वो भी जब फल जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसका भी एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं सीताफल और उसके कुछ औषधीय गुण आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये है देखो सीताफल का पेड़, इस तरह से कुछ होता है। आपको दिखा देता हूँ, ये सीताफल का पेड़ इस तरह से कुछ होता है। और आपको दिखाता हूँ सीताफल के पत्ते, ये देखो कुछ इस तरह से होता है। आपके पहचान के लिए आप देख लो, इस तरह से कुछ सीताफल का पत्ता होता है, कुछ इस तरह से दिखता है। और आपको दिखाता हूँ अब सीताफल कैसा होता है। तो ये देखो, ये है सीताफल, दिख रहा है आपको। यहाँ थोड़ा सा धूप का प्रॉब्लम, अजीब सा हो रहा है। ये देखो, ये है सीताफल। और दोस्तों, ये अब लगभग पकने के लिए तैयार हो गया है। हम इसे तोड़ के अभी पका सकते हैं, क्योंकि इसमें जो छेद दिख रहा है ना, ये जैसा बढ़ता जाएगा ना, फैलता जाएगा, फिर इसको तोड़ के हम लोग पकाते हैं। देख लो, ये और थोड़ा फैलेगा, फिर इसको हम लोग ले जा के घास वास में, सूखे घास में डाल देते हैं, फिर 2-3 दिन में यह पक जाता है। तो आपको और दिखाता हूँ, बहुत सारे फले हैं, ये देखो ऊपर फला है सब सीताफल, और ये लगभग सब पकने के लिए तैयार है। ये देखो, ये भी पकने के लिए तैयार है सीताफल। और दोस्तों, इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। ये मेरा कैमरा, हाँ, इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, जैसे ये शरीर में पानी की मात्रा को मतलब संतुलित करके रखता है, कमी नहीं होने देता इसको खाने से। इसके खाने से दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, ये दांतों के लिए। और जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है ना, उसको ये नियंत्रित करके रखता है। और ऐसा बहुत सारे औषधीय फायदे हैं सीताफल के दोस्तों। तो आपको जब भी मिले खाना, और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, आपको पता है। और क्या है, हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो हमारे तरफ तो बस इसको ख़रीदना नहीं पड़ता, बस जहाँ कहीं पेड़ रहता है, हर घर में रहता है। तो इसको आप, हमारे यहाँ तो दिक्कत नहीं रहता, हम लोग तो बस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जाओ खेतों में कहीं भी गांव में मिल जाता है ये फल, और हम लोग तोड़ के खा लेते हैं। तो आपको मिले जब भी कहीं, तो आप इसका फल ज़रूर खाना, बहुत शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और स्वाद में भी काफ़ी अच्छा रहता है। और ये सीजन का फल है दोस्तों, यही सीजन में मिलता है ये। तो ऐसे फलों को तो खाना बनता ही है एक बार। और दोस्तों, अभी मैं दूसरी जगह आया हूँ, ये दूसरी जगह हमारे एक और पेड़ है, वहाँ भी ये फल है, देखो एकदम ज़्यादा तैयार है फलने पकने के लिए। और दोस्तों, ये पेड़ भी पक जाता है, मगर पेड़ में पकाने का एक नुकसान है, ये देखो, ये पेड़ में अगर आप छोड़ दोगे ना, तो चिड़िया पूरा इसको खा जाते हैं। ये देख रहे, चिड़िया खा गई है इसको पूरा। तो आप इसको अगर पेड़ में पकाना का सोच रहे हैं, तो वही नुकसान हो जाएगा आपका, इसीलिए हम लोग इसे तोड़ के पका देते हैं। तो देख लिया दोस्तों आपने सीताफल, थोड़ा सा वीडियो अजीब हुआ होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा धूप आ रहा था, तो वीडियो मतलब मेरे को सही नहीं लग रहा था। तो आप भी देख लेना और एडजस्ट कर लेना यार, और एक आध वीडियो अच्छा सा बना दूंगा सीताफल के बारे में, और बढ़िया सा आपको सीताफल का पेड़ और पौधे फल सब दिखा दूंगा। उसका फूल भी दिखाना था, मगर अब कहाँ फूल मिलेगा, अभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आपको कौन सा फल देखना है और उसका पेड़ देखना है वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।